हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यदेव। गाइस, आज हम फिफ्थ लेक्चर पे हैं अपने गूगल डाइनो एंडलेस रनर वाली गेम पे, जो हम 2D गेम बना रहे हैं। आज क्या समझेंगे वो जान लेते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझना होगा हाउ टू डिस्ट्रॉय चैलेंजेस। मतलब जो ये चैलेंजेस हम बना रहे थे, तो एक वक्त ऐसा आ रहा था जो सीन व्यू से वो ये चैलेंजेस इधर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो मैं अभी बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ। उनको डिस्ट्रॉय करना है और सेकंड मुझे करना है गेम ओवर। ओके, सो जैसे कि मैंने अपना ये गेम खेला, इसे चलाया, तो आप देखना जैसे ही गेम ओवर होगा तो क्या हुआ, ये वाली स्क्रिप्ट जो क्लाउड्स वाली स्क्रिप्ट थी वो भी डिसेबल हो गई, मींस वो भी काम करना बंद हो गई। और ये स्क्रोलिंग वाली, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा डायनासोर डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसे लग गई है, तो ये चीज हर चीज रुक गई है, वो चीज समझना है। सेकंड चीज, जो ये चैलेंजेस मूव करते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे डिस्ट्रॉय भी हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, हमने कहां तक सीख लिया था, मैं इसे रन करके दिखाता हूं। अब मेरे चैलेंजेस यहां से बनना शुरू हो गए, तो एक चीज आप देखना, ये चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। गाइस, ये एक कारण होता है हमारे गेम का हैंग होने का। जो कभी कभार हम गेम खेलते हैं, क्रैश हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं, वो इन्हीं कारण की वजह से, कि कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो हम डिस्ट्रॉय करना भूल जाते हैं। जब ये इन्फिनाइट बन जाएंगे ना, तो ये गेम अपने आप हैंग होने लगेगा, मीन्स रुकने लगेगा कहीं ना कहीं। क्यों रुकने लगेगा? बिकॉज ये बहुत सारे बन चुके हैं और वो कहीं ना कहीं हमें रुकावट लाएंगे। तो मुझे क्या लॉजिक लगाना है, सिंपली जब ये चैलेंजेस इस पोजीशन पे आ जाएं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, समझ गए, मींस अप्रोक्स 20 वाली पोजीशन पे। अभी हमारा डायनासोर -11 पे है, ओके, मींस अप्रोक्स 20 पे जब हमारे चैलेंजेस आएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। आई थिंक समझ गए होंगे आप। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट खोल ली है, चैलेंज एक्सप्लोरर वाली चैलेंज। ओके, अब मैं कहां था, इसमें मैंने ये स्क्रिप्ट लिख चुकी है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। मुझे अब क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है अपने करंट चाइल्ड को, करंट चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस, समझ गए। तो मुझे इस फॉर लूप में जाना होगा, इस फॉर लूप में मुझे लिखना होगा इफ करंट चाइल्ड डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स लेस देन इक्वल्स टू -20, तो क्या हो, हमारा ये चैलेंजेस डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो मुझे अपना डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करना होगा। डिस्ट्रॉय फंक्शन, इसमें मुझे उसका नाम देना होगा एक ऐसे गेम ऑब्जेक्ट का जिसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है। अभी उसका नाम क्या है, करंट चाइल्ड, समझ गए। बस इतना सा कोड है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के, या फिर ये प्रेस, इस बटन को प्रेस करके। अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ। अब देखने गाइस, जब ये चैलेंजेस 20 पर आ रहे हैं तो आप ये देख रहे होंगे ये डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। अब हमारा गेम हैंग नहीं होगा, समझ रहे हो, जो जो यूजलेस है उसे हटाते जाना है अपन को, बस ये चीज समझ में आ गई आपको। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे गेम ओवर कराना है। मतलब जैसे मैं इसे प्ले करता हूं, जब मेरा डायनासोर इन चैलेंजेस से कोलाइड होगा तो वो रुक जाना चाहिए वहीं की वहीं, जैसा उस गेम में हो रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे क्या करना है, अपने डायनो के पास जाना है, जो मैंने इसमें बॉक्स कोलाइडर दिया है उसे रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि हमारा डायनो बिकॉज बॉक्स में थोड़ी रहेगा, मैंने बॉक्स कोलाइडर दे दिया तो अपन देख रहे होंगे। चलो बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने बॉक्स कोलाइडर में क्यों हटाने की बात कर रहा हूं। जब ये इससे अटैच होगा, सी गाइस, जब मैंने अभी पॉज कर दिया वीडियो, तो आप देख रहे होंगे क्या हमारा डायनो इससे कोलाइड हुआ, नहीं हुआ। वो इधर स्पेस है ना, वो बॉक्स कोलाइडर की वजह से ही है। अगर मैं इसमें पॉलीगॉन कोलाइडर दे दूं, मींस इस डायनो में उसकी पोजीशन और इसमें भी, तो ऐसा लगेगा कि हमारा डायनो इससे अटैच, मींस इससे कोलाइड हुआ है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, अपने डायनो वाले गेम में जाना होगा, इस बॉक्स कोलाइडर को रिमूव करना होगा और इसमें पॉलीगॉन कोलाइडर लाना होगा। इसमें मुझे सर्च करना होगा पॉलीगॉन कोलाइडर, और पॉलीगॉन कोलाइडर 2D इसमें अटैच करना होगा। पॉलीगॉन कोलाइडर 2D इसमें वैसे अटैच हो जाएगा जैसा वो उसका शेप है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनमें तो मैंने अपने चैलेंजेस में तो अपने पॉलीगॉन कोलाइडर दे रखा है, अब ये वर्क बिल्कुल सही करेगा ना। अब मुझे अपना गेम ओवर कराना है,
सो गाइस कॉन्सेप्ट इजी बताने वाला हूँ कि मेरा गेम कब रुक जाए जब मेरा ये डायनासोर इनसे कोलाइड हो जाए, हाँ या ना। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा डायनासोर इस पोजीशन पे जो कि -11F है, हाँ या ना, जैसे ही वो कोलाइड होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, बिकॉज कोलाइड हुआ है तो उसे थोड़ा सा धक्का लगेगा और वो उधर जाएगा शिफ्ट। और मैं अपनी स्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा, जैसे ही मेरे डायनासोर की एक्स पोजीशन लेस देन होती है -11F से, तो क्या हो, गेम ओवर नाम का फंक्शन कॉल हो और वो इसको गेम को ओवर करा दे। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट पे आता हूँ। सो गाइस मुझे अपनी स्क्रिप्ट में आना है और एक वेरिएबल बनाना है बूलियन टाइप का, जिसका नाम होगा इस गेम ओवर, और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी फॉल्स। अब ये गेम ओवर नाम का वेरिएबल मुझे क्या बताएगा, वो ये बताएगा क्या हमारा गेम ओवर हुआ है या नहीं। अगर मेरा गेम ओवर हो चुका है, मीन्स उसकी वैल्यू ट्रू हो गई, तो वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न का क्या मतलब होगा, ये स्क्रिप्ट से हर चीज हट जाएगी। क्या बता रहा हूँ वो बता देते हैं। अपन को गेम ओवर की वैल्यू अभी फॉल्स है, मुझे अपडेट वाले फंक्शन में जाना है, फिक्स्ड अपडेट, ओके। इधर लिखना है इफ इस गेम ओवर एंड देन रिटर्न। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, इफ इस गेम ओवर मतलब अगर इस गेम ओवर की वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न कर दे हर चीज, मीन्स आगे का कोड चले ही ना। अगर आगे का कोड चलेगा नहीं तो मेरा डायनासोर वहीं का वहीं रुक जाएगा। अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो वो ऊपर मूव नहीं करेगा, समझ गए। इस वजह से मैंने बोला कि इस गेम ओवर, अगर इस गेम ओवर की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो वो रिटर्न कर देगा। अब मुझे क्या करना है, एक गेम ओवर नाम का फंक्शन बनाना होगा। तो मैंने यहाँ लिखा पब्लिक वॉइड गेम ओवर, और इस गेम ओवर नाम के फंक्शन में मैंने लिख दिया इस गेम ओवर इक्वल्स टू ट्रू। मतलब जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इस गेम ओवर की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और जैसे ही इस गेम ओवर की वैल्यू ट्रू होती है तो वो हर चीज रिटर्न कर देगा। आई थिंक समझ आ गया हो। अब लॉजिक इतना लगाना है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे अपने इस गेम ओवर को ट्रू कब कराना है, जब मेरे डायनो की पोजीशन -11F से छोटी हो जाए, मींस जब वो कोलाइड करेगा तो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होगा, और जैसे ही पीछे शिफ्ट होगा मेरा गेम ओवर नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो हर चीज रिटर्न कर देगा। अभी डायनो की पोजीशन है -11F, ओके। सो उसकी पोजीशन मैंने इसमें दे दी पब्लिक फ्लोट एक्स पोजीशन इक्वल्स टू -11F, और मैंने अपने फिक्स्ड अपडेट वाले फंक्शन में जाके क्या लिखा, इफ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स। कैसी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स किस चीज की है, डायनासोर की। मीन्स जब हम ये लिखते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स तो वो किसका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज बताता है, उस ऑब्जेक्ट का जिस ऑब्जेक्ट से ये स्क्रिप्ट अटैच है, ओके। तो मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स इज लेस देन एक्स पोजिशन, तो क्या हो, तो मेरा गेम ओवर नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। इसमें मैंने कुछ गलती की क्या, ओके पी कैपिटल है, अब सही है। अब फिर से एक बार समझा देता हूँ जल्दी जल्दी से। अब मैंने एक्स पोजिशन की वैल्यू दे दी -11F, मींस मेरा डायनासोर अभी इस वक्त है यहाँ पर -11F पे, यहाँ से कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स अगर एक्स पोजिशन से छोटी होती है, लेट करो कि मेरे चैलेंजेस आ रहे हैं और वो हमारे डायनासोर से कोलाइड हुए। जैसे ही वो डायनासोर से कोलाइड होंगे तो मेरा डायनासोर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर। मैंने क्या लिखा, अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है मीन्स लेस देन, तो मेरा गेम ओवर कॉल हो जाए। और गाइस जैसे गेम ओवर कॉल होगा वो गेम ओवर की इस गेम ओवर की वैल्यू ट्रू कर देगा। जैसे ही इस गेम ओवर की वैल्यू ट्रू होगी हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके क्या करना है, हमें हर चीज रिटर्न कर देनी है। आई थिंक सब कुछ समझ आ रहा हूं। अब ये तो होगी हमारे प्लेयर्स की बात, मींस अब मेरा डायनासोर मूव नहीं करेगा, पर मुझे एक और चीज करनी है अपने गेम में। मेरा डायनासोर मूव नहीं करेगा जब मैं इसे प्ले करूंगा, मुझे अपने चैलेंजेस को भी वहीं रोकना है, हाँ या ना। मींस यही कॉन्सेप्ट मुझे अपने चैलेंजेस में भी करना है। तो अब
मैं अपने चैलेंज स्कूलर नाम के इसमें गया और इसमें मैंने इस गेम ओवर नाम का वेरिएबल बनाया जो कि होगा बूलियन, वो ट्रू ही लेगा या फॉल्स। मैंने लिखा इस गेम ओवर इक्वल्स टू फॉल्स। अब सेम चीज यहाँ पर अपने अपडेट फंक्शन में जाना है, अपडेट फंक्शन में आ गया मैं। अब यहाँ पर मुझे लिखना है इफ इस गेम ओवर एंड देन रिटर्न, वही कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब मुझे एक फंक्शन यहाँ पर भी बनाना होगा जिसका नाम होगा पब्लिक void, void क्यों, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, गेम ओवर। और इसके अंदर मुझे सिंपली इस गेम ओवर की वैल्यू करनी होगी ट्रू, कॉन्सेप्ट वही है। अब इससे क्या होगा, अब मेरा ये चैलेंजेस जो आ रहे थे अब वो भी रुक जाएंगे, समझ गए आप। अब मैं आता हूं अपने प्लेयर स्क्रिप्ट पर। सो अब एक और थोड़ा सा लॉजिक, क्या लॉजिक है वो गाइस, हमारा ये वाला गेम ओवर कब कॉल होगा, जब हमारी डायनासोर की एक्स पोजीशन छोटी हो जाएगी इससे, हाँ है ना, तब ये गेम ओवर कॉल हो जाएगा और मेरा डायनासोर रुक जाएगा उस पोजीशन पर। अब मुझे क्या करना है, इस चैलेंज स्कूलर नाम की स्क्रिप्ट के गेम ओवर को भी कॉल करना है, वो कैसे करूंगा गाइस। अब मैं वो लॉजिक नहीं लगा सकता कि मेरा मेरा चैलेंजेस मूव करते जा रहे हैं इस पोजीशन पर तो कॉल हो। अब मुझे क्या करना होगा, इस प्लेयर स्क्रिप्ट के गेम ओवर नाम के फंक्शन से ही इस चैलेंज स्कूलर नाम के गेम ओवर को कॉल करना होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, इस स्क्रिप्ट से ही मुझे चैलेंज स्कूलर नाम के गेम ओवर नाम के फंक्शन को कॉल करना होगा। तो मैंने यहां लिखा कि फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फाइंड करो किस नाम का, चैलेंज स्क्रोलर, और फिर ये दो ब्रैकेट्स डॉट, जैसे मैंने डॉट लगाया तो मेरे पास कुछ ऑप्शन आ गए, मुझे किस ऑप्शन को चूज करना है, ये गेम ओवर वाले को। तो मैंने यहां लिखा गेम ओवर। अब क्या हुआ, अब मैं प्लेयर स्क्रिप्ट से ही चैलेंज स्कूलर नाम की गेम ओवर को कॉल कर पा रहा हूं। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा डायनासोर रुकेगा तो इसका भी गेम ओवर चालू हो जाएगा और मेरे चैलेंजेस भी रुक जाएंगे और डायनासोर भी। अब मैं इन दोनों स्क्रिप्ट को सेव करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके और अपने यूनिटी में आया। अब मैंने इसे रन किया तो आप देखना क्या होता है। अब मेरे डायनासोर इससे अटैच हो गया, मींस इससे कोलाइड हुआ, तो ये दोनों की पोजीशन रुक गई है, हाँ है ना, बट हमारी स्क्रिप्ट जो स्क्रोल स्क्रिप्ट है वो अभी भी चल रही है, मींस अब मुझे इसको भी हटाना होगा। ये क्यों चल रही है आपको मालूम है, जैसे मैं क्लाउड पे आता हूँ अपनी स्क्रिप्ट पे, ये इस वजह से चल रही है बिकॉज उसमें एक्स की वेलोसिटी है कुछ। ये नीचे वाली स्क्रिप्ट क्यों चल रही है, बिकॉज उसमें x की वेलोसिटी है कुछ, अगर हम इसकी x वेलोसिटी जीरो कर दें तो क्या होगा, ये स्क्रिप्ट चलना बंद हो जाएगी। लॉजिक सिंपल समझ में आया, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जीरो कर दूं और इसे प्ले करता हूँ तो आप देखना मेरी ग्राउंड चलेगा नहीं बिकॉज उसकी स्पीड जीरो है, समझ गए, ये चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरा डायनासोर मूव ही नहीं कर रहा है, समझ गए, वही कॉन्सेप्ट मुझे लाना है। जैसे मेरा डायनासोर उनसे कोलाइड होगा ये वाली स्क्रिप्ट में, x velocity 0 हो जाए। अब इसकी वैल्यू थी 0.5, वही मैं रखता हूँ। अब मैं आया अपने प्लेयर स्क्रिप्ट पे, मुझे क्या करना है, अब फिर से लिखना है फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। अब किसका ऑब्जेक्ट, स्क्रोल नाम की स्क्रिप्ट का, और मुझे डॉट लिखना है x velocity equals to 0f। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इजी है। मैंने क्या लिखा कि ऑब्जेक्ट फाइंड करो स्कूल नाम की स्क्रिप्ट का, और उसमें मैंने बोला कि उसकी एक्स वेलोसिटी को कर दो जीरो, कब, जब हमारे प्लेयर का गेम ओवर कॉल हो फंक्शन। आई थिंक सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। अब मैं इसमें गया तो एक इसमें दिक्कत आ रही है मुझे अभी भी, पर मैंने उसका सॉल्यूशन तो निकाल लिया है। जब मैं इसे प्ले कर रहा हूं और मेरा डायनासोर इससे कोलाइड हो रहा है, तो अपन देखते हैं अपनी एक भी स्क्रिप्ट रुकी नहीं बिकॉज हमने सेव नहीं की थी। सो गाइज अब मैं इसे सेव करता हूँ, अपने यूनिटी पे आता हूँ और इसे प्ले किया। मैंने प्ले किया तो अभी एक दिक्कत आएगी, मेरी एक स्क्रिप्ट तो रुक जाएगी पर एक नहीं रुकेगी। सी गाइज मेरी नीचे वाली स्क्रिप्ट रुक गई और ऊपर वाली नहीं रुकी, वो अभी भी मूव कर रही है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि मेरे ग्राउंड में तो वैल्यू जीरो हो गई बट
क्लाउड्स की वैल्यू जीरो नहीं हुई, वो 0.1 है। अब मैंने इसको कोशिश बहुत की इसको सॉल्व करने की, पर मेरे से नहीं हुआ। मैंने क्या किया, हर वक्त अलग अलग करने की कोशिश की, तो मेरा क्या हो रहा है, कभी क्लाउड रुक जाते हैं तो कभी ग्राउंड। तो मैंने सिंपल एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक स्क्रिप्ट और लिख दी स्कूल नाम की, सी शार्प स्क्रिप्ट लिखी। अब मैंने लिखा यहाँ पर स्क्रोल क्लाउड्स, ओके स्कूल क्लाउड्स रखे, और इस स्कूल नाम की स्क्रिप्ट को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब मुझे इसमें बस पेस्ट करना है। अब पेस्ट किया तो मेरे इस स्क्रिप्ट का नाम क्या था, इस स्क्रिप्ट का नाम था स्क्रोल क्लाउड्स, स्क्रोल क्लाउड्स। अब इसमें मुझे और कुछ चेंजेस नहीं लाने हैं। अब मुझे क्या करना है, अब इसकी एक्स वेलोसिटी भी जीरो करनी है। इसको मैंने जस्ट सेव किया, अभी मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। अब मैंने स्क्रोल वाली की तो कर दी एक्स वेलोसिटी जीरो, अब मुझे फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप करना है, क्या इसका नाम है स्क्रोल क्लाउड्स और ये ब्रैकेट्स डॉट। अब इसकी भी कोई एक्स वेलोसिटी है, उसको मैंने कर दिया 0f। अब क्या होगा, अब मेरी दोनों स्क्रिप्ट रुक जाएंगी। मैं यूनिटी पे आया, मेरी क्लाउड्स में जो स्क्रिप्ट अटैच है उसे मैंने रिमूव की, और सिंपली जो स्क्रोल ग्राउंड वाली स्क्रिप्ट है वो इन क्लाउड्स पे अटैच कर दी। सो गाइस, अब मैंने इसे प्ले किया तो हम देखेंगे कि हमारा डायनासोर भी रुकेगा, हमारे चैलेंजेस भी रुकेंगे, और मेरी ये दोनों स्क्रिप्ट भी रुकेंगी। अब हमें कैसा लग रहा है कि हाँ, अब मेरा गेम ओवर हो चुका है। एक दिक्कत क्या है एनिमेशन की, वो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे एनिमेशन में, उसमें समझेंगे। आई थिंक इस वीडियो में समझ में आया होगा कि मैंने किस स्क्रिप्ट का यूज़ किया। मैंने अपनी दोनों को रोका, अपने क्लाउड्स को भी, ग्राउंड को भी, और अपने चैलेंजेस को भी, और अपने डायनासोर को भी, और डिस्ट्रॉय किया अपने चैलेंजेस को। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, हम और प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेंगे ताकि हम हर फंक्शन को अच्छे से यूज़ करना सीख पाएँ।